अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो बच्चों के हवाले से है। बच्चों के हवाले से ये कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो सभी के स्कूल जाते हैं और स्कूल्स में जो है पढ़ाई कम और डेज ज़्यादा होते हैं। पैड डे है, ग्रैंड पेरेंट डे है या ऑरेंज डे है, बहुत सारे जो है वो डेज अब होने लगे हैं। जब हम स्कूल जाते थे तब तो इस तरीके के कोई डेज नहीं होते थे और कुछ भी, मतलब सिर्फ हम पढ़ने जाते थे और सिर्फ पढ़ाई होती थी। तो अब बच्चे जो है जब जाते हैं तो इतने सारे डेज स्कूल वालों ने निकाल दिए हैं कि बच्चा जो है खुद ज़िद करता है कि नहीं, मुझे अब स्कूल जाना है। क्योंकि स्कूल में बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चों के डेज, आज जी बंदर बन के जाना है, आज कीनू बन के जाना है और आज बहुत इस तरीके की चीज़ें बन के जानी हैं। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं स्कूल्स में, तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि आजकल जो है वो वीडियो बनाई जाए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अगर बच्चों को जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैंड पेरेंट बच्चों का डे है तो किस तरीके से बच्चों को तैयार करें। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो बाज़ार से जो है एक सिंपल सा कॉस्ट्यूम ले आते हैं या एक ग्लासेस लगा के उन्हें भेज देते हैं, या अगर कोई लड़का है बच्चा तो उसको ग्लासेस और मूछे वगैरह लगा के उसको तैयार करके भेज देते हैं। जबकि हम उसको थोड़े से अलग अंदाज में भी कर सकते हैं, इससे हमारा जो मदर्स होती हैं उनकी खुद की भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होने लगती हैं, थोड़ा सा ध्यान देने लगती हैं। और आजकल नेट, इंटरनेट वगैरह सभी यूज़ करे होते हैं तो थोड़ा सा आइडिया जब हम करते हैं तो हम कुकिंग में आइडियाज़ ले लेते हैं कि हमें जो है कुकिंग में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों के हवाले से भी थोड़ा सा आइडियाज़ लेने चाहिए और स्कूल में उन मदर्स की बहुत ज़्यादा वो दिखती है, क्या कहते हैं उनसे, आप ये बोलें तो मदर्स की भी बहुत ज़्यादा वो दिखती है कि मदर्स पता नहीं क्या कहते हैं कि मदर्स जो हैं वो कितनी एक्टिव हैं। सही है, तो जब भी बतूल का जो कोई डे होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग से पूरा एक, क्योंकि बता दिया जाता है, जाहिर सी पता है कि इस डे पर होना है या 3-4 दिन पहले बता दिया जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बतूल के लिए कुछ अच्छा सा जो है वो बतूल को बना के भेजूँ। फ्रूट डे है, पैड डे है, कोई सा भी डे है, तो मेरा ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी वो दिखाऊँ कि नहीं, मैं हूँ, बच्चे के मामले में एक्टिव हूँ। और टीचर्स भी जो है मुझे लगता है वो सोचती हैं, उस बच्चे पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं जिसको लगता है कि बच्चे के ऊपर उनके घर वालों की ज़्यादा तवज्जो है कि बच्चों पर कौन से पेरेंट्स कितने तवज्जो देते हैं, तो उन बच्चों की क्लास में कुछ अलग ही वैल्यू होती है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे आज की जो मेरी वीडियो है तो वो इस वाले से है कि जैसे पैड डे, पैड डे में क्या करना होता है कि जब बतूल का जैसे पैड डे, सॉरी ग्रैंड पेरेंट डे था, तो मैंने उसमें कुछ अलग सा किया और मैंने बतूल को बिल्कुल वही वाली लुक देने की कोशिश की जो कि एक बूढ़े आदमी, औरत, इस तरीके के लोगों का होता है। तो मैंने बिल्कुल वही लुक देने की कोशिश की और इसके लिए मैंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन की, बतूल के लिए साड़ी सिलवाई, बतूल के लिए वाइट हेयर स्प्रे लेकर आई, बतूल के लिए वो चीज़ें लेकर आई जिनसे जो है विग्स लेकर आई, जिनके जिनसे जो है लगे कि बिल्कुल नेचुरल लुक आए। ठीक है, तो जब मैंने बतूल के वो मेकअप मैंने बतूल के किया तो मैं ख़ुद भी बतूल के साथ गई थी क्योंकि बतूल के स्कूल में शायद पेरेंट्स वगैरह को भी बुलाया था और रिजल्ट्स वगैरह भी थे। तो जब मैंने बतूल के किया तो वहाँ पे और दूसरी मदर्स थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या लगाया है, कोई मतलब बाज़ार से लेके कोई चीज़ चिपकाई हुई है क्या? तो मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जो है ये मेकअप है, और टीचर्स को भी बहुत पसंद आ रहा था और वहाँ की मदर्स भी अपने बच्चों के साथ बतूल की पिक्चर्स ले रही थी। तो हर एक बहुत अच्छी एक अच्छी सी एक यूनिक सी चीज़ लग रही थी। तो मैंने सोचा कि ये मैं आइडिया आप लोगों को भी देती हूँ जो मदर्स हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल्स वगैरह जाते हैं, तो ये करें और इसमें आप खुद भी इंजॉय करेंगे। लेकिन इसमें मेहनत काफ़ी होती है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को सारी चीज़ें रेडी करके रखनी पड़ती हैं। तो जब बतूल का इस तरीके का डे होता है तो मैं जो है वैसे बतूल को 1 घंटा पहले उठाती हूँ, तो मैं 1.5 घंटा पहले उठ जाती हूँ, और क्योंकि फिर बतूल को नाश्ता वगैरह सब कराना होता है और फिर मेकअप वगैरह भी करना होता है या जिस हवाले से उनको तैयार करना होता है वो सब मेहनत करनी होती है।
तो मैं सोचती हूँ कि चलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि किस तरीके से जो है मेकअप किया जाए कि बच्चा बिल्कुल लगे कि जैसे कोई नाना दादी वाली लुक आपको बच्चों को देनी है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए हैं। यहाँ पे हमें चाहिए फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो है सबके पास होता होगा, एक कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर चाहिए, और ब्लश ऑन चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये कंसीलर है, ये चाहिए, ठीक है, और एक हाइलाइटर चाहिए। आप लोग के पास कोई से भी हाइलाइटर हो वो आप ले लें, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रशेस की तरफ कि हमें ब्रशेस में कौन कौन से ब्रशेस जो हैं वो चाहिए होंगे, ठीक है। ये वाला ब्रश हमें चाहिए जो कि ब्लश ऑन वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप देख लें किस तरह का, ये सभी के पास ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ होंगी, ठीक है। और ये एक स्मॉल ब्रश चाहिए, ठीक है, और ये एक ये वाला स्पूली चाहिए, ठीक है, जिसे हम आईब्रो ब्रश कहते हैं, ये देख लें इस तरह से। और ये वाले ब्रशेस चाहिए जो कि कट क्रीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये देखिए। ठीक है जी, और सिंपल एक हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्पंज है, वो स्पंज हमें चाहिए, और एक आईब्रो पेंसिल चाहिए। ये चीजें जो है ये हमें चाहिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।